आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला में, जहां पर वीडियो ऑफिस के सामने, यहां पर जो ये प्राइवेट ठेकेदार है ये इस वक्त एजाज कर रहे हैं। क्या वजूहत है, क्यों ये एजाज करते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हम आज चूंकि कॉन्ट्रैक्टर से यहाँ पे हम जमा हुए थे एससीडी ऑफिस बारामूला में, और यहाँ पर एससीडी बारामूला भी बैठता है और एससीपी पंचायत भी बैठता है। चूंकि ये बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने आज से एक दो साल पहले एक ऑर्डर निकाला था, जब तक ना आपके पास पैसे नहीं होंगे तब तक आपको काम नहीं करना है, और इन्होंने एनएटी इशू की, उन पे लिखा था कि पेमेंट्स ऑफ पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल, और गवर्नमेंट की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि पोर्शन ऑफ फंड्स अवेलेबल होनी चाहिए तब काम करना। हमने ई टेंडर थ्रू प्रॉपर चैनल ई टेंडर थ्रू काम लिए थे, बट बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जब पेमेंट हमने काम कंप्लीट किया, हमने बिले सबमिटेड की डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट का कहना था उस टाइम कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम एक महीने से दर की ठोकरे, डेढ़ महीने से हम दर की ठोकरे खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर। आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के पास कुछ पैसे वागुदा हुए हैं, मगर बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है एसीबी यहाँ पर कोई नया आया है, उसको तकरीबन 10-15 दिन ऑर्डर भी उजड़ा हुआ है, मगर वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप देखिए तानाशाही कितनी चल रही है आज के इस दौर में। एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने इसका ऑर्डर आज से 15 दिन पहले इशू किया, इजरा किया, इसने आज तक ज्वाइन क्यों नहीं किया अपनी पोस्टिंग। हम यहाँ ऑफिस आते हैं एसीपी ऑफिस, ये कहते हैं कि हमारे पास अभी ऑफिसर है ही नहीं, उसने ज्वाइन नहीं किया। और दूसरा मसला यह है कि हमारा 10% जो डिपॉजिट था यहाँ REW में, हमने REW के थ्रू हमने काम किए थे पिछले 2 साल से, वो 10% डिपॉजिट, वो करोड़ों में लेबलिटी है इस वक्त डिपार्टमेंट के पास। वो कंट्रेक्टर वो हैरान कुल बात है, वो कंट्रेक्टर का अपना पैसा है, वो भी ये वागुदार होने में नाकाम हुए ये डिपार्टमेंट। इस वक्त बर्निंग पॉइंट है SBM का, SBM जो ये जो गवर्नमेंट बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं स्वच्छ भारत, उसके तहत यहाँ पर तकरीबन 12 करोड़ के काम हुए हैं, मगर पेमेंट हमारी अभी तक 100 के करीब होंगे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने काम किया होगा। आपने इनके साथ कोई रहा? हाँ, हम पिछले 1.5 महीने से इनके साथ रबते में है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, हम उनसे मोदबान अपील करते हैं आपकी वसादत से कि हमारी पेमेंट फुल वागुदार की जाए, वरना अगर हमारी पेमेंट वागुदार नहीं हुई कि हम सड़कों पर आएंगे। शुक्रिया। प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि 2021 से आज तक जो डिपॉजिट हमारा था, गवर्नमेंट ने वो रॉन्ग हेड में डाला है, R&B हेड में। हम ACD से लेके सेक्रेटरी तक पहुंच गए, 2 साल हमें हुए कि हम उसका पीछा करते हैं कि कोई ना ऑर्डर दे दे कि ये हमारा ये 10% जो है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बारामूला को है, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट ने रिलीज़ किया है, ट्रेजरी अफसरों ने रिलीज़ किया है, हमारी ट्रेजरी ने उसमें कुछ रोकड़ा डाला, उसने कहा कि हम ये डिपॉजिट आपका रिलीज़ नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का 2,85,00,000 रुपया है। ACD से लेके सेक्रेटरी तक, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, अच्छा कमिश्नर मैम, कोई आज तक वागुजार नहीं करा। अब हम लास्ट स्टेज पे ये पहुंचे हैं कि अब हमें, जब उन्होंने जवाब किया, अब हम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं। तो मिले हैं हम तो डायरेक्टर फाइनेंस से मिले हैं, हम DG फाइनेंस से मिले हैं, हम डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से मिले, हम कमिश्नर मैम से मिले, सब टाल मटोल करें, क्योंकि ये पैसा हमारा 2021 से डिपॉजिट है। मसला ये है कि 2023 और 2024 के हमने जो ADP काम किए हैं, गवर्नमेंट ने लिखा है कि 50% हमने रिलीज किया है उसका पैसा। ट्रेजरी में हमारी बिले, हमारी ठेकेदार साहिबान की बिले जो पिछले 3 महीनों से पड़े हैं, अभी गवर्नमेंट के पास MT नहीं है, टेंडर में लिखा है कि पैसा अवेलेबल है, और यहाँ से अगर हम 10 दिन लेट करेंगे काम में, उसमें हमारा BDO साहब, हमारा AE साहब, हमारा एजेंट साहब नोटिस निकालता है कि आप पेनल्टी पड़ जाएगी अगर आप ये काम इन टाइम मुकम्मल नहीं किया।
मगर हमारा पैसा जो है हमने बैंक से उधार लिया है, वहाँ इंटरेस्ट भी चढ़ रहा है, गवर्नमेंट कोई मतलब इसमें कोई चांस ही नहीं लेती है कि हम इनका पैसा वहाँ गुजार करते हैं। अब हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर ऐसा ही रवैया रहे डिस्ट्रिक्ट कंट्रेक्टर एसोसिएशन बारामूला काम का बाइकआउट करेंगे। शुक्रिया। यहाँ के प्राइवेट ठेकेदार जिनसे हमने बात की तो इनका यही कहना है कि जो इनकी पेंडिंग ड्यूज है इनको वहाँ गुजार किया जाए, और इसके साथ साथ ये एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश करते हैं कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए ताकि ये लोग भी रात की सांस ले सके। आप देखते रहो JK 24/7।